हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने सीमा रसोई घर में। आज मैं आपके साथ फ्रूट क्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों और बड़ों सभी को ये बहुत ही पसंद आता है, तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए हम ये वाली क्रीम ले लेंगे। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है, और यदि आपके पास व्हिपिंग क्रीम हो तो आप व्हिपिंग क्रीम से भी इसे बना सकते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बॉल लेंगे और इस क्रीम को हम इस बॉल में डाल लेंगे। इस क्रीम को हमें मार्केट से लाकर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद ही इसे यूज करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। यदि आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे विस्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं हैंड बीटर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाएगा और क्रीम जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। ये वाली क्रीम ज्यादा फूलती नहीं है, तो इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच भर के व्हिपिंग क्रीम। और अब इसे हम फिर से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि क्रीम ठीक हो गई है। बस ऐसी ही क्रीम हमें चाहिए। ये देखिए, क्रीम को बस हमें इतना ही ठीक रखना है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाएगा तो हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स में कट किए हुए थोड़े से अंगूर, मैंगो, एप्पल, बनाना और थोड़े से अनार के दाने लिए हैं। यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। हमारी क्रीम अच्छे से चिल्ड हो चुकी है। अब हम इसमें ये सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें यह बात ध्यान में रखना है कि फ्रूट्स डालने के बाद इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि फ्रूट्स अपना पानी छोड़ देते हैं। इसलिए फ्रूट्स डालने से पहले ही इसे हम अच्छे से चिल्ड कर लेंगे, और फ्रूट्स डालने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट इसे हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बस अब इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ ही ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने इतने सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स यूज किए हैं। अब हम इसे थोड़े से फ्रूट से गार्निश कर देंगे। इस पर हम थोड़े से कटे हुए आम, अंगूर और थोड़े से अनार के दानों के साथ हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी डिलीशियस फ्रूट क्रीम बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसे आप जरूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।